आरक्षण की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी से मिलने का जबरन प्रयास करते हुए कार्यालय में घुसने का प्रयास किया, जिस पर निषाद पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के बीच एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव और सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव से हल्की नोकझोंक भी हुई, जिस पर पुलिस ने निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया। आपको बता दें कि आरक्षण की मांग को लेकर निषाद पार्टी ने कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया तथा डीएम से मिलने की जिद पर अड़ गए। निषाद पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जबरन जिलाधिकारी कार्यालय में घुसने का प्रयास करने लगे, लेकिन मौके पर मौजूद सिटी मजिस्ट्रेट और एडीएम सिटी ने उनसे ज्ञापन लेकर उस पर कार्रवाई का आश्वासन देने का प्रयास किया, लेकिन निषाद पार्टी के कार्यकर्ता नहीं माने और जिलाधिकारी को ज्ञापन देने की जिद पर अड़ गए। काफी नोकझोंक के बाद जब कार्यकर्ता नहीं माने तो मौके पर पहुंची 3 थानों की फोर्स ने स्थिति को संभाला और पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेज दिया। इस संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश में लगे निषाद पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस लाइन भेजा गया है। इस अवसर पर एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, सीओ कैंट सुमित शुक्ला, कैंट थाना प्रभारी अनिल उपाध्याय तथा निषाद पार्टी के कार्यकर्ता सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, मामला पहले बताइए। हमारा मामला आरक्षण का मामला है जो अभी सामाजिक न्याय मंत्रालय ने गलत आदेश जारी, केंद्र सरकार से आ गया, राष्ट्रपति ने मुहर लगा करके दे दिया है कि अब ये अनुसूचित जाति की सूची के अंतर्गत आते हैं, तो फिर आरजीआई का ये फर्जी मामला कहाँ से सामने आ जा रहा है। सामाजिक न्याय मंत्रालय सामाजिक न्याय मंत्रालय नहीं बल्कि सामाजिक अन्याय मंत्रालय है और इसके खिलाफ हम लोग खड़े होंगे। अरे वो रहना नहीं चाहिए जो हमारे खिलाफ, हमारे समाज के खिलाफ, और जो अनुसूचित जाति की सूची के अंतर्गत हम लोग ऑलरेडी 7 नामों से जाने जाते हैं उन्हें पिछड़ी में डालकर मछुआरों के खिलाफ आवाज उठाए और उसके बाद भी वो बना रहे अपने पद पर। उनका कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत ही नहीं है मछुआ समुदाय को लेके, जो है जब संविधान में लिख दिया गया है कराइए कि माननीय निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव जी आए हैं ज्ञापन डीएम साहब अपना ज्ञापन लेकिन इसमें जो सामाजिक न्याय मंत्रालय ने जो लेटर नहीं, जब एक लोकतंत्र कहते हैं हमारी जो भी वार्ता होगी डीएम साहब महोदय के फेस टू फेस वार्ता होगी। मैं सारे ज्ञापन अगर जब सपा पार्टी है, बसपा है, कोई भी कांग्रेस है, कोई भी अगर ज्ञापन लेने के लिए ज्ञापन दिया जाएगा, मैं कहता हूँ जब पूरे जिले के मालिक नियम मसाल मामला है, काम का मामला है, उसमें एडीएम एफआर साहब है, कोई और शहर में एडीएम सिटी साहब है और इसके लिए मामले के लिए बहुत ही संगीन मामला है और हर एक मामला के लिए विभाग बटे अधिकारी बटे हुए हैं। जब मैं आपके सामने आया हूँ सही गलत है मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको जो ज्ञापन दे रहे हैं जो आपकी बात है ऐसे सारी बार आपके सामने आकर के आप ही आकर के ज्ञापन लेकर के गए हैं लक्ष्मीबाई पार्क में, आप आकर के ज्ञापन लेकर के मैं हूँ सीओ कैंट है, हम लोग मिलकर जब ज्ञापन लेंगे तो मैं ही ज्ञापन लूंगा, मैं आपको हम लोग लक्ष्मीबाई पार्क में एक चीज मैं और बता दे रहा हूँ, एक चीज और बता दे रहा हूँ, कोई भी पार्टी आती, कोई भी दल आता है, कोई भी संगठन आता है तो वो आके वहाँ पर रुकता है, फिर हम लोग कोई संगठन से हमसे क्या मतलब, हमें किसी संगठन कोई संगठन से मतलब नहीं है, निषाद पार्टी पार्टी से कोई किसी को सरकार बनाई है, किसी एक स्पेसिफिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी मैं बात कर रहा हूँ क्या डेकोरम में क्या तरीका उसकी बात कर रहा हूँ कि जाइए वहाँ पे तो मैं आता ये अंदर घुसने का क्या, जिले के मालिक हम जिले के मालिक ने मुझे अधिकारी जी के माध्यम से जिलाधिकारी मंत्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री जी के लिए ना जी पहुँचाना है तो जिलाधिकारी जी आए ना जिलाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, निषाद पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं आपसे पूछा भी नहीं कि आप कौन है, मैं आपसे कह रहा हूँ ज्ञापन दीजिए मैं आपका पहुँचा दे रहा हूँ, खत्म। आपने अपनी बात कह ली, अब हमारी अभी एक मिनट हम बात करिए महोदय, जब यहाँ मीडिया आई है तब महोदय जी ने जो है मास्क पहना है, उन्होंने भी मास्क नहीं पहना है, उन्होंने भी मास्क, सरकारी लोग हैं आपके साथ हमेशा, मैं आपके
मैं ज्ञापन तो देना है। एक मिनट शांत रहिए महोदय जी। महोदय यहाँ से आए लेके जाएंगे, मैं आपको बाहर लेके तब तक मैं बुलाऊंगा नहीं। अब मैं बुलाऊंगा नहीं, यही बात होगी। मैं गुंडा ही बता दे रहा हूँ, आप लोग बात कर सकते हो। इतने लोग साथ नहीं बात करूंगा ना, इतने लोग बात नहीं करूंगा। महोदय जी ये सारे लोग आपसे बात नहीं कर रहे। चलिए कोई बात नहीं, मत कीजिए क्या पर जो कार्रवाई करना है आप कार्रवाई करिए। भाई गलत करना बैठ कर मैं अगर आ रहा हूँ आप नारा लगा रहे थे अशांति वाला तो नारा तो था अशांति वाला तो नारा तो था नहीं अशांति वाला क्या आप सड़कों पे नहीं चलता डीएम साहब, आपकी सड़कों पे काम नहीं कर रहे। आप क्यों नहीं इनको बाहर भेज रहे? क्या उसका जवाब आप नंबर ले लीजिए, ज्ञापन सब चढ़ के जाते हैं। आपके कहने से नहीं हो जाता है, हमको तो उसका जवाब तो आना चाहिए। तो वो सरकार से बात करिए, उसने लिखा है भाई जो लिख रहा है आपकी बात नहीं मानना तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? भाई पढ़े लिखे इसीलिए जिलाधिकारी को लेकर जिम्मेदार है। तीन लोग रुकिए, ये गलत चीज नहीं चलेगी। मैं साफ बता रहा हूं, दूसरे गुंडई नई चीजों को आए नए रूप में लेके जाना चाहते हैं। महोदय गिरफ्तारी करना चाहते हो आप? कर दीजिए, हम तो ज्ञापन दे रहे हैं। के पास आए थे, ज्ञापन देने के लिए आए थे। उनको शांतिपूर्ण तरीके समझाया गया, बट ये लोग कोविड प्रोटोकॉल का वायलेशन करने लगे, 144 का वायलेशन करने लगे और नारेबाजी करने लगे वहाँ पर। तो इसलिए इन सबको हिरासत में ले गया और आगे ये कार्रवाई की जा रही है 15-20 के आसपास। लेकिन इन्होंने ये कहा गया था कि ज्ञापन देंगे, तो हमने कोऑर्डिनेट किया था, सीओ साहब ने कोऑर्डिनेट किया था, ईडीएम सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट ने कोऑर्डिनेट किया था, ज्ञापन देने की बात हुई थी। पर यहाँ पर थोड़ी अराजकता की स्थिति हो गई थी, तो इसलिए फिर इनको अभी हिरासत में भेजा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बल प्रयोग ऐसा कुछ नहीं है।